हदीस में आता है कि सुफेद मुर्ग अगर जो है बांध देता है तो उस वक्त दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेता है। हदीस में आया है कि सुफेद मुर्ग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दोस्त है, जो उससे दोस्ती करेगा वो मैं उससे दोस्ती करूंगा, जो उससे दुश्मनी करेगा मैं उससे दुश्मनी करूंगा। और फिर फरमाया कि अर्श के नीचे जो फरिश्ते हैं, एक किस्म का फरिश्ता है जो मुर्ग की शक्ल का है, ये देसी फार्म का मुर्गा नहीं, ये जो है फार्म का ब्रॉयलर मुर्गा नहीं, देसी मुर्गे की शक्ल का। तो वो मुर्गा क्या करता है, कुछ खास से अहकामात को नाजिल करते हैं फरिश्ते, तो इन मुर्गों को वो इंफॉर्मेशन दे देता है, तो ये मुर्गे उस खुशखबरी को देखकर बांध देने लगते हैं। तो हदीस में कहा कि फरिश्तों की आमद और खुशखबरी का इंफॉर्मेशन न्यूज आ रहा है, तुम दुआ कर लो, ये हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए आप अपने घरों के अंदर सफेद मुर्ग को पाले। हदीस में आया जिस घर के अंदर सफेद मुर्ग पलता है शयातीन और जिन्नात उसकी वजह से भाग जाते हैं, जादू का तोड़ खत्म हो जाता है, हत्ता के मुर्ग की बांग की आवाज जितनी दूर तक जाती है अल्लाह ताला शयातीन और जिन्नात के असरात से महफूज रखते हैं।